मैं सिर्फ एक सवाल का उत्तर चाहता हूँ हमारे इलाके के मदरसे के जिम्मेदारानों से कि मैं इस इलाके में अपने मदरसे में दान खैरात करता हूँ तो मैं बाहर पढ़ने क्यों जाऊँ। बाहर के बच्चे हमें ये पूछते हैं कि आपके इलाके में मदरसे नहीं है, आज आपके मदरसे में क्या क्या कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, आप में से कोई भी बता सकता है ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? 300 गर्ल्स के बारे में क्या बोलते हैं? 300 गर्ल्स, 300 लड़कियां अरबी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उना फुले खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती, गवारिंदल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज में। इस वक्त मैं झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित तारानगर में उपस्थित हूं। यहां पे क्या लिखा है, ये अनुमति छाड़ा प्रवेश निषेध। ठीक है, हम अनुमति ले लेंगे। और ये क्या है, अनाधिकार प्रवेश निषेध। अच्छा, वही गर्ल्स, चलिए गर्ल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैचर साहब अंदर गए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे इसमें। और अब जरा देखिए और हमको फिर परमिशन दीजिएगा, परमिशन लेके हम अंदर जाएंगे, क्या हो रहा है अंदर देखेंगे किस तरह से क्या स्थिति है। बिकॉज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो जो हो रहा है सच्चाई आपके सामने आए। और यहाँ पे काफी मुझे अच्छा लग रहा है देख के मदरसे में, लेकिन निजाम में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, तो ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बाथरूम है चारों तरफ पूरा एरिया जो है, और यहाँ पे फव्वारा बना दिया गया है, काफी सुंदर मंजर है। यहाँ पे बच्चे नहाते हैं? हाँ, इधर नहाते हैं, इधर नहीं नहाते हैं। यहाँ कपड़ा बड़ा साफ करते हैं? हाँ, नहाते हैं। हाँ, नहाते हैं, कपड़ा साफ कर, कपड़ा साफ करने के लिए तो थोड़ा जगह है उधर, बाथरूम है, टॉयलेट है इधर। तो काफी सुंदर मंजर है, जरा दिखाई, थोड़ा करीब कीजिए कैमरा को जरा, ये काफी सुंदर मंजर है। और यहाँ से होते हुए बच्चे यहाँ पे सुंदर काफी, मैं पहली बार इन द फर्स्ट टाइम आई केम हियर इन दिस मदरसा, दैट इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी टू विजिट दिस मदरसा एंड दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये आम के कुछ पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। आइए मैं दिखाता हूँ, दिखाता चलूँ कि आपके इदारे में यहाँ पे कितने बच्चे से बच्चे बच्चियाँ हैं। और जो जो भी गलतियां हैं आप जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। यहाँ पे इदारा काफी सुंदर सा इदारा है, जामिया दारुल इस्लाम एजुकेशन सेंटर गर्ल्स का ये जो है सेंटर है यहाँ पे। और यहाँ एक जामिया दारुल इस्लाम एजुकेशन सेंटर गर्ल्स बॉयज। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अक्सर शायद यहाँ पे सब गरीब गुराबा के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं ना, सब कुछ। तो आपसे गुजारिश है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे अगर कुछ सहायता हो सके इस मदरसे के लिए, आप चाहते हैं कि आप सही जगह पे कुछ दान खैरात करें, तो इस अकाउंट नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस अकाउंट नंबर पे आप जरूर कुछ ना कुछ दान कीजिएगा, इस मदरसे को आगे बढ़ाइए। और देखिए हम सब मिल के इस मदरसे को चलाना है, अगर कुछ खामियां हैं तो आप जरूर बताएं ताकि उसको सुधारा जा सके। और अगर दान करना चाहते हैं तो आप दान भी जरूर कर सकते हैं इसी नंबर पे। यहाँ वो खुली हुई है, कोई ढकी। आप लोग थोड़ा सा सर, आप लोग थोड़ा सा साइड चलिए प्लीज, हम खुल के बात करना चाहते हैं किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इनको, है ना, ताकि असली कहानी सच्चाई सामने आए और हम सुधार सके उसको। थोड़ा सा साइड चलिएगा आप लोग, आइए यहाँ पे। ये मुअल्लिमात है, तो ये लेडीज कुछ यहाँ पे स्टाफ्स हैं, और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं यहाँ इतनी सारी जो है कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इतनी सारी हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 500 से ज़्यादा 581 लगभग है स्टूडेंट्स हैं। और तो ये नज़ारा काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है, ये लोग कितने कहाँ कहाँ से हैं और पढ़ाई यहाँ पे किस लेवल के होते हैं, मैं थोड़ा बहुत पूछने की कोशिश करूँगा। और थोड़ा बहुत कुछ सुना सकते हैं इनमें से कोई? हाँ, ये थोड़ा अच्छा, एक बात बताइए, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कहाँ से हैं? मैं आपका इलामी से हूँ। इलामी, आपका घर? मणिरामपुर। मणिरामपुर घुमानी? घुमानी। आपका? लक्ष्मी नारायणपुर। लक्ष्मी नारायणपुर। आपका? इलामी। अच्छा, इलामी मतलब आसपास के हैं। आप लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाती है यहाँ पे मदरसे से? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खाने पीने के लिए आप लोगों को कुछ दिक्कत
जी कोई दिक्कत नहीं है, माशाल्लाह यहाँ खाने पीना भी अच्छा दिया जाता है। अच्छा दिया जाता है जी। देखिए खुल के बोलिए आज। जी हम लोग खुल के बोल रहे हैं, हम लोग क्यों यहाँ छुपाइए मत। जी नहीं, हम लोग क्यों छुपाएंगे, माशाल्लाह से यहाँ दीनी तालीम होते हैं, अच्छी तरह से तालीम दी जाती है और बच्चियों से भी आप पूछ सकते हैं। खाना पीना यानी हफ्ते में एक दिन गोश्त या फिर दूसरे हफ्ते में अंडा दिया जाता है और हम लोगों को तो दो दिन दिया जाता है जो टीचर है। जी तो यहाँ कुछ बच्चियों ने तो ये भी कहा, गार्जियन के मुझसे मुझे सुनाई दिया बच्चे कुछ ये आपकी बनात से कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे खाना पीना अच्छा नहीं देता इसलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी। आप बच्चियों से पूछ सकते हैं। तो आपके सामने तो बोलेंगे कि अच्छा देता है। जी नहीं नहीं क्यों बोलेंगे, तो ठीक है देखिए जो सच सच है तो मैं आपको बताऊं कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आप अपने बच्चे अगर इनमें से कोई आपकी लड़की है तो आप पर्सनली उनसे अपने बच्चों से जरूर पूछेगा कि यहाँ का निजाम क्या खराब है, क्या अच्छा नहीं है, क्या खराब है जरूर पूछेगा। खाने में खराबी है, लाइब्रेरी में कुछ किताबों की कमी है, पढ़ाई में सिस्टम खराब है जरूर पूछेगा। तो यहाँ जरा ये आपका नाम? शबनम। शबनम आप कहाँ से हैं? मणिरामपुर से। मणिरामपुर से जी। मणिरामपुर से शबनम, तो यहाँ पे आप लोगों की कोई दिक्कत होती है? जी नहीं, खाना वाना सब सही मिलता है? जी सब सही है। सब सही है जी। कुछ लोग तो बोलते हैं कि लड़कियाँ की खाना नहीं मिलता सही यहाँ, वो उनकी बात वो अलग अलग एक पर्सनल व्यू है ओपिनियन है। तो चलिए ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ ये बात पॉइंट की है, ये बात वहाँ भी मैंने ये कैसे साहब भी बोले कि जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता वो जो हजारों बहाने और हजारों जो है नुक्स और गलतियां खामियां निकालेंगे, जिनको पढ़ना होगा वो कहीं भी पढ़ लेंगे। तो ये बातें हैं, यहाँ बार बार आता रहूंगा देखता रहूंगा। आपने अगर एक भी कॉमेंट ऐसा किया जो इस मदरसे को ठेस पहुंचाता है तो यहाँ आके जरूर पूछूंगा कि आपके मदरसे में ये कमी है, आप इस कमी को जरा सुधारिए प्लीज। मैं इस मदरसे के बारे में नथिंग, आई डोंट नो अबाउट दिस, अबाउट मोर एंड मोर अबाउट दिस मदरसे बिकॉज आई डिडंट कम हियर। सो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस मदरसे की सच्चाई सामने लाइए बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट अबाउट दिस मदरसा। तो प्लीज आप यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो तो आप मुझे बताइए, और सिर्फ यहाँ पे नहीं हमारे इलाके में हमारे इदारे में जितने भी मदारिस हैं हर एक मदरसे में जा करके आप देखिए क्या क्या गलतियाँ हैं। स्कूल में भी जो भी खामियां हो आप प्लीज मुझे पर्सनल जो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा इस नंबर पे मुझे कॉल करके बताइए, मैं उस मदरसे में जाऊंगा और हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करूंगा। प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर पर्सनली दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। तो ताकि हमारे मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके के जो बच्चे हैं जो दूर दराज पढ़ने के लिए जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं पर्सनली मैं बताऊँ कि मेरी जो पढ़ाई बाहर हुई है मैं सिर्फ एक सवाल का उत्तर चाहता हूँ हमारे इलाके के मदरसे के जिम्मेदारों से कि मैं इस इलाके में अपने मदरसे में दान खैरात करता हूं तो मैं बाहर पढ़ने क्यों जाऊं। बाहर के बच्चे हमें ये पूछते हैं कि आपके इलाके में मदरसे नहीं है, तो इस तरह की बातें होती हैं। तो क्या इस तरह की जो खामियां ये दूर कर पाएंगे, हमें बाहर क्यों जाना पड़ता है हमारे बच्चों को? দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে ওই যে আমি বললাম একটা কথা যে পড়ার দিকে ধ্যান নেই যার যে ছেলে সে বাহানা মেলে রকম করবে, ওখানকার খাওয়া দাওয়া ভালো লাগে না, ওখানে ভালো পড়া হয় না, এইসবগুলো মা বাপকে বলে, কিন্তু মা বাপকে কিছু ধ্যান দেওয়া উচিত আছে এখানে পড়া হচ্ছে কি হয় না। মাগরিব মাগরিবের পরে আপনারা কি এখানে পড়ার ব্যবস্থা করেন, গাইড করেন? হ্যাঁ হয়, হ্যাঁ গাইড করে, রাত 10টা তো আসি এরকম মানে দেখে চলে গেলাম বাইরে বাইরে। শিক্ষিকারাকে জিজ্ঞেস করেন, ওনারা পার্সোনাল বলবে কোনটা কমি আছে, আমাদের দিকে দেখে হয়তো ওরা ওনারা ওটা বলতে নাও পারেন, আমরা সাইডে রাখছি ওনারা তো আপকো তসল্লি নেই হোগি আমারে ইহা যে হ্যায় তালিবাত হ্যায় তালিবাত কি জুবানে আপ সুনিয়ে। तो मैं सबसे कहूंगा थोड़ा थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, के बारे में पूछिए। हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पे मौलाना साहब ने बताया यहाँ पे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं। मैं आपका एक भाई हूँ, भाई समझ के मुझे आपकी परेशानी प्लीज बताइए, क्योंकि आप लोग जो है हमारी बहन जैसी है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी बहनें पढ़ के एक ऐसी लड़की निकले, एक ऐसी स्टूडेंट निकले कि जो कहीं भी किसी से बात करे तो लगे कि हाँ आप पढ़ लिख के हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव देहात में जो सिस्टम खराब है सिस्टम को दूर खराबी को दूर करे और हम अच्छे से अच्छे तालीम दे। तो अगर हम ये जान नहीं पाएंगे कि आपके मदरसे में क्या क्या गलतियां हो रही हैं तो हम कैसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप में से प्लीज यहाँ पे बताइए मुझे कि आज आपके मदरसे में क्या क्या कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, आप में से कोई भी बता सकता है।
ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? खुल के आज बताइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से बस यही कि आप सबके साथ मैं खड़ा हूँ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बाद में भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाद में अगर कोई कुछ बोले तो प्लीज मुझे आपके जो स्टाफ हैं, आपके लेडी टीचर्स हैं, इनको बताइएगा, हाँ उनसे हम बातचीत कर लेंगे। क्या दिक्कत है प्लीज जरा खुल के बताइए। कुछ नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि उन लोग बोलते हैं कि यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे, दूसरे मदरसे में पढ़ेंगे? अच्छी पढ़ाई हो रही है। हो रही है, कुछ पूछ ले आप लोगों से। हाँ पूछ ले। यहाँ पे मान के चलिए 300 गर्ल्स हैं, 300 गर्ल्स को अरब में क्या बोलते हैं? 300 गर्ल्स, 300 लड़कियां अरब में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में थ्री हंड्रेड गर्ल्स, और अरबी में सलासतु मियातिन बनातिन। अच्छा सलासो मियाती अब सही हुआ। चलिए तो चलिए, यहाँ हो सकता है माइक देख के ये लोग जो है डर जाती हैं, लेकिन इंटरनली आप अपने बच्चों से प्लीज पूछेगा घर पे जाके। कभी कभी आपकी जिम्मेदारी बनती है, देखिए मैं वहां भी बताया फिर बता रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ स्टाफ के ऊपर मत दीजिए, जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपकी अपनी बच्ची कैसी पढ़ रही है उसका एक जायजा आप खुद लें। घर पे जब जाए आपकी लड़की तो आपकी लड़की से बहुत सारे सवाल करें, पूछे नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, किताबी कुछ सवाल पूछे, किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कुछ दूसरी ऐसी चीजें पूछे जिससे बच्चे जवाब ना दे सके, ऐसा कुछ सवाल कीजिए। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बच्ची किस हद तक पढ़ाई कर चुकी है। और खास बात बार बार मैं बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए घर पे किसी भी लड़की को ना बुलाएं, चाहे वो अकीका हो, अपने रिश्तेदार के दूसरे बहुत दूर के रिश्तेदार उसके शादी में आप अपने बच्चों को बुला लेते हैं, ऐसा हरगिज ना करें। ऐसा होता कि नहीं? तो एक बताइए हमारे होता है तो उसमें भी लेकर जाते हैं बच्चियों को। और क्या क्या होता है जो आपने यहाँ पे जो गार्जियंस की तरफ से कुछ कमियां? मुसलमान भी लेकर जाते हैं। और छोटी छोटी शादी हो हाँ तो चलिए मैं खुल के बताता हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टाफ हूँ, मुझे भी पता है। तो चलिए मैं क्या क्या सामने मैं बोल देता हूँ। जैसे किसी का अकीका हुआ घर पे बुला लिए लड़कियों को, किसी की शादी हुई तो घर की शादी छोड़िए, अपने दूर के गांव के दूर के रिश्तेदार की शादी हो बुला लिए, या फिर किसी को नानी घर जाना हो बुला लिए, और छुट्टी लेते हैं आके प्रेशर डालते हैं, यहाँ बहाना भी करते हैं। हाँ रिश्तेदार भी अगर अपने घर पे आते हैं तो भी बुला लेते हैं। तो ये सब जो है पढ़ाई को देखिए माइंड डाइवर्ट हो जाता है इससे। आपके होता क्या है कि एक बच्ची दूसरी बच्ची को देख के जो पढ़ने का जुनून होता है, एक हौसला होता है, तो वो हौसला खत्म हो जाता है। हसद होता है पढ़ के ये पढ़ने का कि वो पढ़ रही है, वो मुझे आगे बढ़ रही है, वो खत्म हो जाता है। घर जैसे बुला लेते हैं तो जो पढ़ने का एक लय होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी बच्चियों को यहाँ से ना ले जाएं, अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके इनकी और तरबियत भी हो सके। और तरबियत की जिम्मेदारी ना सिर्फ आपकी, ना सिर्फ या इनकी, सबकी जिम्मेदारी है। घर पे जब ये बच्चियां जाएं तो इनकी तरबियत जो मदरसे वालों ने सिखाया है वो तरबियत घर पे जाके कितना फॉलो करती है वो भी आप जरूर ध्यान दें। धन्यवाद, आइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कोई गजल सुना सकता है? अच्छा मतलब अच्छी गजल, कोई हम्द कोई नात? एक प्यारी सी बच्ची आई हुई है, हाँ इधर 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 आइए, हाँ इधर आओ इधर आओ। ओ न फूले खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती, गवारिंदल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। ओ न फूले खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती, गवारिंदल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। माशाल्लाह। और आजा शिकल ज्योति ना थाके दुनिया, सीती होए थाकबो
दायरी पापा जीती हो थाक बो दायरी पाता आजा छी कल ज्योति ना थाके दुनिया जीती हो थाक बो दायरी पाता जीती हो थाक बो दायरी पाता ए जी बोने जाचे छे साते तो पे छी तो माते दुआते धन्न होए छी धन्न होए छी धन्न होए छी देखे पेशी और बोलो आमी की जासी ती हो थाक बो ती दो एरी पाता सी ती हो थाक बो माशाल्लाह। इधर इधर आप, ये बच्चे कमाल की बच्ची है। आप तुम्हारा नाम की? आसिया खातून। आसिया खातून, तुम्हारा नाम? जमीर शेख। बड़े कथा है? रामचंद्रपुर। अच्छा, आपकी लड़की जमीर इस्लाम, अगर आप देख रहे हैं तो आपकी लड़की कमाल की लड़की, आवाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको बहुत, इनका जो लय है, जो तरन्नुम है, जो राग है पढ़ने का, काफी ये कमाल का है। तो अच्छा लगा मुझे, मैं थोड़ा इनको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ इनके लिए। हाँ, तो ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा इस तरह से। चलिए, तो ये थी सारी चीजें जामिया दारुल इस्लाम एजुकेशन सेंटर तारानगर की तरफ से। मैंने ये यहाँ पे आके विजिट किया, मुलाकात की इन लोगों से, काफी मुझे अच्छा लगा। और जो पढ़ाई के बारे में जितने सवालात किए हैं, जो इंटरनल जो भी बातें हमने की हैं, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जो भी इस मदरसे की खामियां हो, आप मुझे पर्सनली इस नंबर पे कॉल करके बताइए। और एक गुजारिश आपसे कि जो स्क्रीन पे आपका अकाउंट नंबर दिख रहा है, इस अकाउंट नंबर पे अगर कोई इस मदरसे को कुछ सहायता करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप जरूर पैसा या आपकी तरफ से कोई भी मदद आप इनको पहुंचाइए। और अगर आपसे ना हो सके तो कम से कम इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति तक शेयर कीजिए जो देने के काबिल हो। धन्यवाद।